तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब व्यास स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, जो कि आपका है पार्ट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 4 से, क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे आपके सभी टॉपिक जो भी कि आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर हम इन शॉर्ट में यहां पर सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि किसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। तो बात करते हैं वन्य समाज की, यानी जंगल में रहने वाले लोग, जंगल के आसपास रहने वाले लोग, जिनसे जो जीविका है लोगों की वो जंगल से ही चलती है। उसके बाद उपनिवेशवाद, यानी जिन्होंने हम पर राज करा था अंग्रेज, उनके बारे में उन्होंने ऐसे क्या निर्णय लिए थे जो हमारे लिए या तो लाभदायक थे या नुकसानदायक थे। ठीक है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, हम बात करते हैं औद्योगिकरण के दौर की, जो कि है अगर हम बात करें सन 1700 की या 1995 के बीच की। ठीक है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10%, 9.3% जो भाग था वो औद्योगिक इस्तेमाल, यानी आप समझ सकते हो फैक्ट्री यूज के लिए, खेती बाड़ी के लिए या ईंधन के रूप में लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया था। ठीक है, इतना जो जगह था वो इन सब चीजों के लिए रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जमीन की बैतरी। इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें सन 1600 में, तो हिंदुस्तान के जो भूभाग था, ठीक है, यानी भूमि का जो भाग था टुकड़ा, उसके लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। अगर यहां पर देखिए, जो खेती का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो कितना कम है, लेकिन अगर हम बात करें अभी की, तो ये आंकड़ा क्या है, यह आंकड़ा बढ़कर सीधे आधे तक पहुंच चुका है। ठीक है, यानी अब जो खेती बाड़ी होती है वो ज्यादा जमीन पर होती है। ठीक है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मतलब जैसे जैसे जो जनसंख्या वो बढ़ती गई, तो वैसे वैसे खाद्य पदार्थ यानी कि खाने पीने का जो सामान है उसकी भी मांग बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो खाने पीने की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और इसी वजह से जो कृषि करने का, खेती बाड़ी करने का जो जमीन है, जो क्षेत्रफल है, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, किसानों को जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं का विस्तार करना पड़ा। जो किसान थे वो इस बात के लिए विवश थे कि उनको अपनी जमीन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और जंगल को साफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले जनसंख्या कम थी तो इतने हिस्से में जो है खेती बाड़ी जो है वो हुआ करती थी। ठीक है, बाकी यहां पर किसानों का क्या था, जंगल था, यहां पर उन्होंने अपने तरह तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो इस ग्रीन एरिया में लगाए थे, मान के चलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, लोग ज्यादा है, और खाने पीने की वस्तु की जो मांग है वो ज्यादा है, तो इन जंगलों को भी उन्होंने साफ किया और यहां पर भी उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। तो ये जो फंडा है ये इनके साथ हुआ। अगर हम बात करें औपनिवेशिक काल में, ठीक है, यानी कि उस समय जिस समय हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस समय जो खेती का जो फैलाव था उसमें तेजी आई, यानी तेजी से जो फैलाव है वो हुआ। हुआ क्यों, क्योंकि इसकी वजह थी, इसकी बहुत सारी वजह थी, उसमें से एक थी व्यावसायिक फसलें, यानी वह फसलें जिनसे अंग्रेजों को लाभ होता था, जिससे उनको लाभ होता था, तो वो इस फसल के लिए किसानों को, भारतीय किसानों को सपोर्ट करते थे, प्रोत्साहित करते थे, किसी चीज की जरूरत थी तो वो देते थे, पैसे की जरूरत थी तो वो देते थे, जैसे पटसन, गन्ना, कपास। ठीक है, उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इसी वजह से खेती जो है वो यहां पर बढ़ी थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर पटरी पर स्लीपर हुआ क्या, वन विनाश हुआ, यानी जंगलों का जो है विनाश हो गया बहुत तगड़ा वाला। कैसे वो हुआ, ऐसे कि यहां पर मांग बढ़ गई किसकी, लकड़ियों के। उसके दो कारण थे मेन, एक कारण था ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करना, ठीक है, दूसरा कारण था रेलवे का विस्तार। अब आप कहोगे रेलवे के विस्तार में लकड़ी की क्या जरूरत है, तो लकड़ी की जरूरत थी दोस्तों किसके रूप में, स्लीपर के रूप में। स्लीपर क्या होता है,
स्लीपर होता है यह चीज। यहां पर देखिए, ये जो पटरी है और पटरी के बीच में जो लकड़ी लगी रहती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेन की पटरियां हैं ये एक तरह से बंधी हुई रहती है और यहां पर फिक्स रहती है, इधर उधर नहीं जाती जो है, ये स्लिपरी नहीं होती, ठीक है, ये आपस में फिक्स इनको बांध कर रखती है ये वाली लकड़ी, इसे कहते हैं स्लीपर। तो जितना रेल का विस्तार होगा, जितनियां पटरियों का विस्तार होगा, उतना क्या होगा, इन स्लीपर की जो आवश्यकता पड़ेगी, और स्लीपर की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा, वनों को काटा जाएगा। ये दो मुख्य कारण थे वन विनाश के। यहां पर समझिए, 1850 के दशक में रेल लाइनों का जो प्रसार है, प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी, ठीक है, विस्तार हुआ किसका, रेल लाइनों का, और मांग बढ़ गई किसकी, लकड़ियों की। शाही सेना आने जाने के लिए, औपनिवेशिक व्यापार के लिए जो रेल लाइनें थी वो बहुत जरूरी थी, चाहे शाही सेना को आना जाना हो या उस समय का कोई व्यापार हो, तो रेल की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, और रेल की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ईंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ईंधन की जरूरत है तो वो जो हमने बात की थी स्लीपर की, उसकी भी ज्यादा जरूरत है, और इन दोनों की ज्यादा जरूरत है तो अब लकड़ी को काटा जाएगा, यही नुकसान यहां पर हो रहा था। इंजनों को चलाने के लिए ईंधनों के तौर पर एक, ठीक है, और रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए स्लीपर का प्रयोग, दो, ये दोनों प्रयोग इंपॉर्टेंट थे वहां पर, ठीक है। तो लकड़ी को भारी, लकड़ी की जो थी वो भारी आवश्यकता थी, हैवी डिमांड थी इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से लकड़ियां काटी जा रही थी। अगर हम बात करें 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए, ठीक है, 1 ही मील लंबी पटरी के लिए लगभग 1760 और 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है, यानी आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पेड़ों को यहां पर अब काटा जाएगा। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक तेजी से जो है वो फैलता चला गया। अगर हम बात करो 1890 तक लगभग कितना है यहां पर, 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई थी, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि रेलों का जो लाइन है इसका कितना ज्यादा विस्तार जो है वो हो रहा था। अगर हम बात करें यहां पर 1946 में, तो इन लाइनों की जो लंबाई थी वो थी 7,65,000 किलोमीटर तक जो है वो बढ़ चुकी थी, ठीक है, यानी जो लाइनें थी रेल की वो बढ़ती जा रही थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ पेड़ों को भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था, वही बात आ गई स्लीपर वाली, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ रही थी ईंधन के रूप में भी और स्लीपर की भी रूप में भी, तो इसलिए जो पेड़ है उसको भी बहुत बुरी तरह से और बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था। अगर हम बात करें केवल एक जगह की, जो कि है मद्रास, ठीक है, मद्रास की, तो वहां पर जो प्रेस इंडेंसी थी, वहां पर 1850 के दशक में जो प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ ओनली और ओनली स्लीपरों के लिए ही काटा जा रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें तो सरकार ने यह जिम्मा दे दिया निजी ठेकेदारों को, ऐसे ठेकेदारों को जिनको पर्यावरण का कोई परवाह नहीं है या पर्यावरण की उनको नॉलेज नहीं है कि अगर हम इतने सारे पेड़ों को एकदम से काटना शुरू कर देते हैं तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने दे दिया काम ठेकेदारों को, जिनको केवल ही केवल और अपने पैसों से मतलब था उस समय में, ठीक है। तो सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेकेदारों को काम दिया और कहा भाई तुम्हें जितने पेड़ों की जरूरत है उतने काट डालो, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के आसपास जंगल तो जैसे गायब से ही हो गए। जैसे ये रेल लाइन है, इसके जो आसपास जंगल होते हैं, जो स्टेशन होता है इनके बगल में, बिल्कुल गायब से हो गए, क्योंकि इन्होंने काटना शुरू कर दिया और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें बागान की, ठीक है, यहां पर देखते हैं हम क्या बात थी। तो हुआ दोस्तों क्या, यूरोप में चाय की और कॉफी की जो मांग थी वो बढ़ रही थी, तो मांग को पूरा करने के लिए क्या किया गया, इन वस्तुओं के बागान बने, इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, किसी चीज की डिमांड है, जैसे चाय की और कॉफी की,
टी और कॉफी की डिमांड है, यहां पर जंगल है जिसकी हमें या उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको चाय और कॉफी की जरूरत है। तो वो क्या कर रहे हैं, यहां पर इन जंगल को काट रहे हैं, और उन्होंने इस जगह को किसके लिए छोड़ दिया, चाय और कॉफी के बागान को लगाने के लिए। तो इसमें भी बलि किसकी चढ़ी, बलि चढ़ गई इसमें भी प्राकृतिक वनों की। तो ये सिस्टम जो है यहां पर होता गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगल को अपने कब्जे में लेकर उनको विशाल हिस्सों में बहुत सस्ती दरों पर जो यूरोपीय बागान मालिक थे उनको सौंप दिए उन्होंने, ठीक है। अब वो जो है इनका इस्तेमाल आपको पता ही है कैसे करेंगे, ठीक है। तो बागान मालिकों ने इन इलाकों को बाड़ाबंदी किया, उनको घेरा अपने हिसाब से जैसा उनको अच्छा लगा, जंगलों को उन्होंने साफ किया बिल्कुल, और चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी, ठीक है। यहां से भी जो है वो जंगल का सफाया हो गया। अब हम बात करते हैं व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। तो ये क्या था दोस्तों, इसे हम समझते हैं। यहां पर हल्का सा थोड़ा सा अच्छा हुआ जंगलों के लिए, लेकिन हल्का सा जंगलों के लिए अच्छा हुआ, लेकिन जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा हुआ। यहां पर समझते हैं कैसे हुआ। बात करें हम ब्रैंडिस नाम का जो एक जर्मन विशेषज्ञ था, तो उसने क्या कहा, उसने ये बात लोगों को महसूस कराया, उन अधिकारियों को महसूस कराया कि भाई अब वन का जो संरक्षण है वो हो गया है जरूरी, अब जो है जंगल को बचाना पड़ेगा। तो जंगलों को बचाने के प्रबंधन के लिए अब एक व्यवस्थित विकसित तंत्र जो है वो करना पड़ेगा, एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए क्या चीज की जरूरत है, कानूनी मंजूरी की जरूरत है, और वन संपदा के उपयोग के संबंधी नियम जो है वो तय हमें करने पड़ेंगे। यानी इस विशेषज्ञ ने कहा अब हो जाओ भाई तुम जागरूक, इसके लिए बनाओ तुम एक कानून, और उस कानून का पालन करना पड़ेगा सबको, क्योंकि अब हमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इसने क्या आइडिया दिया, इसने कहा भाई करना क्या है, पहली बात तो पेड़ की कटाई रोको, दूसरी बात कोई पशु यहां पर चरने आ रहा है, घास फूस खाने आ रहा है, उसे रोको, इन सब चीजों पे पाबंदी लगाओ, लकड़ी काटना मना करो, ठीक है। तो लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जाएगा, ऐसी जगह बनाओ जहां पर अगर लकड़ी काटी जाए किसी कंपलसरी यूज के लिए, जो कि होना ही होना है, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था करो कि पेड़ भी हम लगा दे जल्दी से। ऐसी ऐसी उसने कुछ बात जो है वो बोली। इस तंत्र में पेड़ काटने वाले को सजा का भागी बनना पड़ेगा। उसने कहा अगर कोई पेड़ काटता है तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है। अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, इसे बगान कहा जाता था। तो दोस्तों सबसे जो बड़ी दिक्कत हुई वो इसी लाइन में छुपी हुई है। देखिए हुआ क्या, जो अलग अलग प्रजाति के पेड़ थे, अलग अलग टाइप के पेड़, उनको इनसे कोई मतलब ही नहीं था, अंग्रेजों को इन पेड़ों से कोई मतलब नहीं था, क्यों, इनको तो उन चीजों से मतलब था जो पेड़ बिल्कुल सीधे हो, ठीक है, जो पेड़ बिल्कुल सीधे हो, जिनकी लकड़ी बिल्कुल सीधी हुई लंबी हो, क्यों, क्योंकि इनको बनाना था स्लीपर और इनको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो इनका फोकस था कि हम ऐसी लकड़ियों को ना काटे, बाकी लकड़ी भाई जाओ तुम अपना काम करो, तो बाकी लकड़ियों को इन्होंने काटा, ठीक है, और पाबंदी जो लगाई वो अलग। तो इससे जो आसपास के लोग थे, जो जंगल से ही उनका काम चलता था, उनको बहुत खतरनाक वाला नुकसान हुआ, वो हम देखेंगे यहां पर टॉपिक में, जो कि है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। यहां पर देखिए, जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए, उनकी जरूरतों अलग अलग पेड़ से थी, कोई एक पर्टिकुलर पेड़ से नहीं थी, जैसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो भी गाय के चारे के रूप में, पत्तों के लिए जंगल में जाते थे, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ की इनको जरूरत थी, ठीक है। वहीं अगर हम इनसे अलग बात करें किनके, वन विभाग वालों की, तो इनको ऐसे पेड़ की जरूरत थी जो जहाजों में काम आए और रेलवे के लिए काम आए,
ठीक है, और वो पेड़ कैसे होते थे, जो बिल्कुल सीधे होते थे। तो इनको ऐसे ही पेड़ की जरूरत थी जो कि इनको मुहैया कराई जाए, बाकी इनको कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार के पेड़ जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी लकड़ियां जो सख्त हो और लंबी हो और सीधी हो, बस इनको ऐसी ही पेड़ की जरूरत थी। इसलिए इन्होंने फोकस किया दो प्रजातियों पे। एक था सागौन का पेड़, देखा होगा आपने, ऐसी होता है लंबा और क्या, ओ लंबा होता है, सीधा होता है, ठीक है, और साल के पेड़, ऐसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी किस्म को काट डाला। दूसरी किस्म से इनको कोई मतलब नहीं था, दूसरी भाड़ में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी पेड़ पे इन्होंने फोकस किया। लेकिन जो जंगल वाले इलाके में जो लोग रहते थे, जिनको चाहिए था कंदमूल, फल, पत्ते आदि उत्पादों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे, ये इनको कोई एक पेड़ से फायदा थोड़ी होता था, इनको सभी प्रकार के पेड़ चाहिए। अब बैम्बू जो बांस होते हैं, जिनसे बास्केट टाइप कुछ बनाया जाता है, टोकरी, ठीक है, उनकी भी जरूरत थी, इनको कंदमूल फल की भी जरूरत थी, ठीक है, तो इनको सभी चीजों की जरूरत थी, जिनको जो है वन विभाग वालों को कोई जरूरत नहीं थी। तो ये सिस्टम हुआ, यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। दवाओं के रूप में जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, जो ये वन के आसपास रहने वाले लोग थे उनके लिए, इसके लिए इस्तेमाल करते थे वो, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे वो, हल बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, खेती करने के जो औजार है वो भी इन लकड़ियों से बनाते थे, ठीक है। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं या जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको क्या था, इन सब चीजों की जरूरत थी। बांस से टोकरी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता था। जैसे आप देख सकते हो कि गांव एरिया में ऐसी टोकरियां बनाई जाती है जो कि बांस से बनाई जाती है, तो इनके लिए बांस का पेड़ यानी बैम्बू का पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इन अधिनियम के चलते देश भर में जो गांव वाले लोग थे उनके लिए मुसीबत जो है बढ़ती गई, मुश्किलें बढ़ती गई, ठीक है। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना और पशुओं का चारा, ये सभी रोजमर्रा की जो गतिविधियां गैर कानूनी हो गई। देखिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इनको कितनी ज्यादा दिक्कत हुई होगी कि इनका रोज का काम ही यही है, लकड़ी काट के लाना अपना जो ईंधन है, खाना जिससे बनाते हैं उसके लिए, ठीक है, और पशुओं का जो चारा है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल काम है, लेकिन वो काम अब इनके लिए गैर कानूनी हो गया, तो इनकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, ठीक है। अब उनके पास एक ही तरीका था, और वह तरीका क्या था, लकड़ी चुराना। और जब वे चोरी में पकड़े जाते थे तो उस स्थिति में जो वन रक्षक हुआ करते थे, जो कुछ ऑफिसर वहां पर तैनात हुआ करते थे, उनके दया पर इनको निर्भर होना पड़ता था। अगर उनको दया आई तो या तो उन्हें वो छोड़ देते थे, कुछ ऑफिसर अगर इनकी बात से सहमत होते थे या इनकी सिचुएशन को समझते थे तो, और बाकी सारे तो क्या करते थे, इनसे घूस ऐंठते थे, इनसे पैसे ले लिया करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिकार की आजादी किसे थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक बहुत ही वाहियात सी बेकार सी चीज हुई, और वो देखिए क्या है। एक तरफ तो इन्होंने शिकार पर ये बोला कि शिकार नहीं करना चाहिए, और एक तरफ खुद ही बस मजे से इन्होंने शिकार करना है वो चालू कर दिया। यहां पर समझिए क्या बात थी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने क्या किया, जंगल वासियों के जीवन में एक और तरह से प्रभावित किया। जंगल कानूनों के पहले जंगलों में उनके आसपास रहने वाले जो बहुत सारे लोग थे, वो हिरण को, तित्तर को और छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अब उन्होंने जंगल के पेड़ों को तो मना कर ही दिया काटने से, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम क्या करोगे, तुम आसपास के जो जानवर है ना छोटे मोटे, तुम उन्हें मत मारना, ठीक है, तुम उन्हें मत मारना, तुम उनका शिकार मत करना। अब देखो ना तो इनके पास जंगल से कुछ मिलने वाला उन लोगों को जो जंगल के आसपास रहते, ना अब जो ये शिकार करते थे, ये शिकार करना दोस्तों एक तरह से गलत तो है, लेकिन उन लोगों के लिए, ये जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका काम ही यही है। पुराने समय से पुरानी परंपरा है इनकी कि ये जंगल से जुड़े रहकर ही अपना जीवन यापन करते थे, जंगल से ही इनको सब चीज मिलता था, जंगल से शिकार पर निर्भर थे। अब अगर डायरेक्ट बिना किसी सिचुएशन के, बिना किसी इंतजाम के अगर ऐसी प्रतिबंध इन पे लगाया जाएगा, तो इनको आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यही हुआ इनके साथ, ठीक है, ठीक है। ये एक परंपरा थी इनके लिए जो कि अब गैर कानूनी हो चुकी है। शिकार करते हुए पकड़े जाने पर भी इनको
दंडित किया जाता था और पेड़ काटने पर भी इनको दंडित किया जाता था। तो इनकी जो जिंदगी थी एक तरह से आप समझ सकते हो बहुत ही बुरी हो गई थी। अवैध शिकार करने के लिए इनको दंडित किया जाता था। अब देखो एक तरफ तो इन्होंने क्या बोला सरकार ने कि भाई तुम जानवरों को मत मारो, और एक तरफ वन कानून ने क्या किया शिकार के जो परंपरागत अधिकार थे उनको उन्होंने क्या किया जानवरों के शिकार के लिए एक खेल बना दिया। पहले तो इनसे अधिकार छीने, वहीं बड़े जानवरों के शिकार के लिए इन्होंने खेल बना दिया। इसका क्या मतलब है भाई, इसने क्या किया जो चीज इसने लागू की वही इन्होंने खुद नहीं मानी। इन्होंने कहा कि किसानों को भाई तुम जंगल से किसान उसका जानवरों का शिकार मत करो, और ये खुद ही बड़े जानवरों का जैसे वो हो गया भेड़िया हो गया और बाघ हो गए, ठीक है, उन सब का इन्होंने क्या किया शिकार करना चालू कर दिया। और बड़े जानवरों का शिकार करना तो इन्होंने खेल बना दिया बिल्कुल, ठीक है। हिंदुस्तान में आपको पता ही होगा बाघों जो बाघ होते हैं हमारे, और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से चलता आ रहा है। जो दरबारी नवाब हुआ करते थे उनके संस्कृति का हिस्सा था कि वो क्या करने जाते थे, शिकार करने जाते थे, ठीक है, उनका एक रूटीन होता था डेली रूटीन कि अब राजा महाराजा जो है वो कहां गए हैं शिकार पर गए हैं, ऐसा उनका रूटीन था। लेकिन इन्होंने तो इस रूटीन से भी ऊपर अपना जुगाड़, यानी राजा महाराजा से भी ऊपर की जुगाड़ इन्होंने सोच ली। इन्होंने क्या किया औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का जो चलन था वो तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, कई प्रजातियां तो लुप्त हो गई इस चक्कर में, इनके शिकार के चक्कर में, ठीक है। और जो अंग्रेज थे उन्होंने इतनी गंदी बात यहां पर बोली, उन्होंने अपने मजे के लिए जो है समाज को क्या बोला, समाज के जो लोग थे उनको क्या जवाब दिया कि अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उन्होंने ये कहा भाई कि हम ना तुम्हारे लिए बड़े जानवर को मार देते हैं, उससे तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें वो जानवर परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें वो जानवर नहीं खाएंगे। आप समझ रहे हो एक तरह से इन्होंने क्या किया अपने मजे के लिए तो शिकार किया, यहां तक कि कई प्रजातियों को लुप्त कर दिया, ऊपर से इन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी और मजे में इन सब चीजों को उड़ा दिया। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वह हिंदुस्तान को सभ्य बना रहे, ठीक है, यानी हिंदुस्तान की जो एक प्रतीक है, जो एक बाघ को हमारे इंडिया में कितना ज्यादा सम्मान दिया जाता है, कितनी सारी योजनाएं लागू की गई है कि बाघ को बचाना है, ठीक है, लेकिन इनको तो उस बाघ को मारना है और ऊपर से यह भी बोलना है कि हम हिंदुस्तान को सभ्य बना रहे। उन्होंने बड़े जानवरों को मारना शुरू कर दिया और उन पर इनाम भी रख दिया उन्होंने कि जानवरों को मारो और इनाम पाओ, ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया इन्होंने। अगर हम बात करें 1875 से 1925 के बीच, तो इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ को मार दिया इन्होंने, ठीक है, 1,50,000 तेंदुए मार दिए इसने, 2,00,000 भेड़िए मार दिए इन्होंने, यानी आप देख सकते हैं शिकार जो है कितना बड़े पैमाने पर किया इन्होंने। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल के रूप में, एक ट्रॉफी के रूप में जाने जाने लगा, ठीक है। अकेले एक बंदे की अगर हम बात करें, अकेले एक बंदा था जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर, इसने अकेले 400 बाघों को मार दिया था, ठीक है, इतने घटिया घटिया ये सब काम करा करते थे। काफी समय बाद संरक्षणवादियों, ठीक है, जो उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें इन प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। तो इस प्रकार के दोस्तों जो सिस्टम है वो यहाँ पर होते गए, ठीक है। आपका जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट की ये खत्म हो गई है, सेकंड पार्ट में आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो आप कर सकते एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसे लगी, साथ ही शेयर कर दें इस वीडियो अपने क्लासमेट के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा आप इसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।